नमस्कार दोस्तों, महासागरीय धाराओं के बारे में हम जो हैं इन वीडियो के अंदर जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अटलांटिक महासागर को पढ़ना स्टार्ट किया था और अटलांटिक महासागर की धाराओं में हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा के बारे में जो है डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सेशन में कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं उनका जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल जो बनता है उसके बारे में आज वाली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जो रेखा चित्र है वह रेखा चित्र आपको लगभग इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अगर हम स्थिति की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो इसके पूर्व में हम सबको जानकारी है कि यहां पर जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है स्थित है। इसी प्रकार से इस अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है आपके स्थित है। तो दोस्तों, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है आपके धाराएं चलती हैं उनके बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जब सबसे पहले महासागरीय धाराओं को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि महासागरीय धाराओं के चलने के कारण कौन कौन से हैं, तो उनमें तीन प्रमुख कारणों की बात की थी। एक था आपके पवन, एक था तापमान और तीसरा था अपवेलिंग एवं डाउनवेलिंग। इन तीनों प्रमुख कारणों की वजह से जो है किसी भी महासागर के अंदर जो है महासागरीय धाराएं जो है चलती हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अपन पवन की बात करें तो पवन कैसे चलती है, देखिए कि यह जो है इस अटलांटिक महासागर की कौन सी दिशा है, तो यह इस अटलांटिक महासागर की है कौन सी दिशा, पश्चिम। इसी प्रकार से यह जो दिशा है यह दिशा कौन सी है, तो यह दिशा है आपके कौन सी, पूर्व दिशा। देखिए, अटलांटिक महासागर की पश्चिम दिशा, अटलांटिक महासागर की पूर्व दिशा, हमारे पृथ्वी की पश्चिम दिशा और हमारे पृथ्वी की पूर्व दिशा। हमारे पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है, तो हमारे पृथ्वी का जो रोटेशन है वह रोटेशन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन कहां से कहां होता है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। जब पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगा, तो हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि हवाएं जो हैं वह पूर्व से किधर चलेगी, पश्चिम की ओर जो है चलेगी। और जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेगी तो हवाओं का अनुसरण करते हुए इस भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के निकट का जो जल है उसकी जो गति है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर हवाओं के अनुरूप हो जाएगा। देखिए, यह जो रेखा है यह रेखा कौन सी है, तो यह रेखा है आपके कौन सी, विषुवतीय रेखा। जिसे अपन और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब देखिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी तो हवाएं जो हैं पूर्व से पश्चिम चली, और जब पवन पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है तो उस कारण से यहां का जो जल है वह पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। और जब जल यहां का पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक महासागरीय धारा की उत्पत्ति होगी। और इस महासागरीय धारा का नाम क्या होगा, तो इस महासागरीय धारा का नाम होगा दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा। क्या नाम होगा, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा। दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जो धारा है यह दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा कैसी होगी, तो यह होगी आपके कैसी, गर्म। क्यों होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट का जल है और भूमध्य रेखा के निकट का जल हमेशा कैसा होगा, तो वह गर्म होगा। अब देखिए, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर यह वाला जो महाद्वीप है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके क्या, दक्षिणी अमेरिका। यह धारा आगे जाकर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटों पर जाकर टकराती है।
और जो पूर्वी तटों पर जाकर टकराती है तो इसका जो एक भाग है वह भाग जो है वापस लौट जाता है, और इसका एक भाग जो है ऐसा का ऐसा क्या होगा, दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से देखिए दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा का एक भाग वापस लौट रहा है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि वह कहां जाता है, उसका क्या होता है। परंतु दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा का जो भाग दक्षिण दिशा में गति करता है उस धारा का नाम क्या होता है, तो इस धारा का नाम होता है आपके ब्राजील की धारा। क्या नाम होता है? ब्राजील की धारा। ध्यान रहे ब्राजील की धारा कैसी धारा है, तो ब्राजील की धारा भी कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा। कैसी होगी? गर्म जलधारा। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर जो जल आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा का जो पानी है इसी के अंदर प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि जब हमारी पृथ्वी का घूर्णन होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक पवन चलती है, उस पवन का नाम है आपके पछुआ पवन। पछुआ पवनों की जो गति होती है हमेशा पछुआ पवनों की गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है, और हम सबको जानकारी में है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग तथा जलीय भाग की असंगति के कारण उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति जो है वह धीमी होती है वनिस्पत दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम होते हैं, और स्थलीय भाग कम होने के कारण से वह जो पवन है वह तीव्र गति से चलती है, और तीव्र गति से चलने के कारण ही हम सबको जानकारी में है कि 40 डिग्री अक्षांश के निकट, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पछुआ पवन को गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट उसको चीकती भयंकर पचासा, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट उसे चीकती साठा के नाम से जानते। तो यहां पर एक पवन जो है निरंतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है, उस कारण से यहां पर एक प्रवाह का निर्माण होता है, और उस प्रवाह का नाम होता है यहां पर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है वह पश्चिम में जो आपके महासागर है प्रशांत महासागर, उस प्रशांत महासागर के अंदर से यहां पर पहुंचता है। देखिए इस प्रकार से देखिए यहां पर प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में से जब पानी की जो प्रवाह है वह जब आगे बढ़ रहा होता है तो बीच में आता है यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है आपके क्या, फोकलैंड। क्या नाम है? फोकलैंड द्वीप। फोकलैंड द्वीप के निकट क्या होता है, इस प्रवाह का एक भाग जो है टकराता है, और टकराने के कारण से इसका एक भाग जो है उत्तर दिशा में चला जाता है, और जब इसका एक भाग उत्तर दिशा में चला जाता है तो वहां पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, और इस ठंडी जलधारा का नाम क्या रखा जाता है, तो इस ठंडी जलधारा का नाम है दोस्तों फोकलैंड धारा। ध्यान रहे फोकलैंड धारा कैसी है, तो फोकलैंड धारा है कैसी, ठंडी। फोकलैंड धारा कैसी है? ठंडी। फोकलैंड धारा क्या हुआ कि एक प्रवाह जो निरंतर बह रहा था, जब वह प्रवाह अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया तो बीच में एक द्वीप आया जिसका नाम है फोकलैंड द्वीप, इस फोकलैंड द्वीप से उसका एक भाग टकराया और उत्तर दिशा में बहा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फोकलैंड धारा कहते हैं। अब देखिए वह जो प्रवाह प्रशांत महासागर से इस अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया उसे अपन क्या कहेंगे, देखिए यह प्रवाह जो है ऐसा का ऐसा सीधा हिंद महासागर के अंदर चला जाता है। इस प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इस प्रवाह को इस महासागर में कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। हमेशा ध्यान रहे कि दक्षिणी गोलार्ध के जो प्रवाह होते हैं, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसा होगा, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडा होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध के जितने भी प्रवाह हैं, ध्यान रहे मैं केवल प्रवाह की बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध के जितने भी प्रवाह होंगे वह सभी प्रवाह सभी महासागरों के गर्म होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी प्रवाह होंगे वह सभी प्रवाह जो हैं कैसे होंगे, आपके ठंडे होंगे।
क्यों होंगे? क्योंकि पछुआ पवने जो है निरंतर सभी महासागरों के अंदर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच के जल को जो है निरंतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा रही है। वहां पर सूर्य की किरणें भी तिरछी पहुंचती है और सूर्य की किरणों तिरछी पहुंचने के कारण वहां पर जो है पानी जो है कैसा होगा, ठंडा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो कि ठंडा है ऐसा का ऐसा कहां चला जाता है, तो आगे बढ़कर यह हिंद महासागर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिए दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने से, पूर्व से पश्चिम की ओर पवनों के चलने से दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा का निर्माण हुआ और यह धारा जब आगे टकराई तो यह ब्राजील की धारा के नाम से दक्षिणी दिशा में आई जो कि गर्म जल धारा है। जब यह आगे आती है तो फोकलैंड द्वीप के टकराने के कारण से एक फोकलैंड धारा जो कि ठंडी होती है इससे टकराती है और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो इन दोनों का पानी फैलने लगता है जिसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं और प्रशांत महासागर से भी जो प्रवाह आया वह इसमें जाकर मिल जाता है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो कि ठंडा होता है आगे जाकर हिंद महासागर में चला जाता है। अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, जिसे हम महासागरीय उद्वेलन की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि महासागरीय उद्वेलन का मतलब महासागर के ऊपर का जल का आगे बढ़ना और नीचे का जल जब ऊपर आकर आगे प्रवाहित होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, महासागरीय उद्वेलन की क्रिया कहते हैं। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की क्रिया भी इसे कहा जाता है, जल अपसरण या जल अभिसरण भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रहे जल अपसरण और अभिसरण की क्रिया के कारण से यहां पर एक क्रिया जल अपसरण और अभिसरण या यूं कह लूं कि महासागरीय उद्वेलन की क्रिया के कारण यहां पर एक धारा का निर्माण होता है। इस धारा को क्या कहते हैं, इस धारा को कहते हैं आपके बेंगुला धारा। क्या कहते हैं, बेंगुला धारा। और बेंगुला धारा कैसी है, तो बेंगुला धारा हमेशा कैसी होती है, ठंडी। ध्यान रहे महासागरीय उद्वेलन से जिस भी महासागरीय धारा का निर्माण होगा वह सभी महासागरीय धाराएं कैसी होगी, तो ठंडी होगी। बेंगुला धारा आगे जाकर दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से दक्षिण अटलांटिक महासागर का जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है मित्रों, यह इस प्रकार से यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखिए हमने जब उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के बारे में डिस्कस किया था, देखो यहां पर हमने देखा था कि यहां पर एक धारा चलती है जिसे अपन कहते हैं उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा जो कि आगे एंटिलीस द्वीपों के जाकर टकरा रही है। वहां का जल का एक भाग भी इस प्रकार से लौट जाता है और यहां का जल भी इस प्रकार से यहां पर लौट रहा है विषुवत रेखा के निकट का जल। ठीक है, जब यह जल और यह जल दोनों का जल जब आपस में मिल जाता है तो यह दोनों जो भाग है ये दोनों आपस में मिलकर इस प्रकार से प्रति विषुवतीय धारा के नाम से आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा और दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा का जल जब लौट कर आपस में मिलकर अगर बहता है तो कौन सी धारा का निर्माण होगा, तो इसे कहते हैं आपके प्रति विषुवतीय धारा। क्या कहते हैं, प्रति विषुवतीय धारा। ध्यान रहे प्रति विषुवतीय धारा कैसी होगी, तो प्रति विषुवतीय धारा हमेशा कैसी होगी, यह हमेशा होती है कैसी, गर्म। इस प्रकार से दोस्तों यह आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं यह कंप्लीट होती है। इन दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को अगर हम टेबल के माध्यम से समझें तो देखिए यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और इनको अपन यहां पर लिख लेते हैं। देखिए एक तरफ अपन लिखेंगे गर्म जल धाराएं और एक तरफ अपन लिखेंगे ठंडी जल धाराएं। ठीक है, गर्म जल धाराएं हमने देखा था ऑरेंज कलर में हमने इसको शाइन किया था। गर्म जल धाराएं कौन कौन सी है जो इस महासागर में बहती है, तो एक धारा का नाम है आपके दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा। क्या नाम है,
दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा जब यह आगे बढ़ी तो क्या बनी? ब्राजील, या ब्राजीलियन धारा भी कहते हैं, ब्राजील की धारा, ठीक है। फिर जब अपन नीचे जाते हैं तो यहां पर जो है गर्म जल धारा बनती है, ठंडी जल धारा। ठंडी जल धारा कौन सी आती है? दक्षिण से। तो उस धारा का नाम है क्या? फोकलैंड धारा। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और फिर जब महासागरीय उद्वेलन की क्रिया होती है तो कौन सी धारा का निर्माण होता है? तो उस धारा का नाम है आपके क्या? तो उसका नाम है आपके बेंगुला धारा। क्या नाम है? बेंगुला धारा। इस प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गर्म दो धाराओं का नाम याद रखना है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा और ब्राजील की धारा, जबकि ठंडी धाराओं में फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुला धारा। बेंगुला धारा का संबंध कौन सी क्रिया से है? तो बेंगुला धारा का संबंध महासागरीय उद्वेलन की क्रिया के से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आपके क्या? तो यह है आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। और इस प्रकार से अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर की धाराएं जो हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा आप महासागरीय धाराओं को कोई भी रफ मानचित्र लेकर या अपने ही द्वारा निर्मित किसी रेखा चित्र के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करें। महासागरीय धाराओं को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो यह रट नहीं सकते हैं मित्रों। आप इसको अगर रेखा चित्र पर एक बार अपने समझ लिया तो यह आपको आसानी से याद होगी। तो यह थी हमारे क्या? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। और इस प्रकार से अटलांटिक महासागर की धाराएं भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपन नेक्स्ट महासागर की, जिसका नाम है आपके हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंदर कौन कौन सी जो धाराएं हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें हिंद महासागर का जो मानचित्र है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर के नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट आता है, इस हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जबकि इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप जो है अपनी सीमाएं बनाता है। इस प्रकार से त्रिभुज इसकी जो आकृति है लगभग अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। अब देखिए, जब अपन बात करते हैं इस महासागर के महासागरीय धाराओं की, तो देखिए इस महासागर के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस महासागर को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी हिंद महासागर वाला भाग है और दक्षिण वाला भाग जो है दक्षिणी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है कि धाराएं जो हैं स्थायी रूप से नहीं चल पाती। यहां पर क्या होता है कि यहां पर ग्रीष्मकाल के अंदर जो मानसूनी पवने जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, ग्रीष्मकाल में मानसूनी जो धाराएं चलती हैं यहां पर, उन मानसूनी धाराओं का जो दिशा होती है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर पवने भी जो ग्रीष्म काल में है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवेश करती है। इसी प्रकार से जब शीतकाल आता है तो शीतकाल से हम सबको जानकारी है कि व्यापारिक पवने जो हैं वह उत्तर पूर्व से किधर चलने लगती है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। जब शीतकाल आता है और पवने जो हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, तो उत्तरी हिंद महासागर के अंदर जो मानसूनी धारा बनती है उस मानसूनी धारा की दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। देखिए यहां पर दो धाराएं चलती है, दो धाराएं कौन कौन सी है? तो एक है जिसे अपन कहते हैं ग्रीष्म कालीन मानसूनी धारा। जबकि एक धारा ऐसे चलती है, क्यों चलती है ऐसे? तो
शीतकाल के अंदर जो पवने हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और इस धारा का नाम क्या हो जाता है? शीतकालीन मानसूनी धारा। देखिए, अगर प्रश्न पूछे कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी धारा की दिशा क्या होती है, तो हम सबको आंसर देना है कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी धारा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, जबकि शीतकालीन मानसूनी धारा की दिशा किधर से किधर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इसकी धारा की जो है दिशा होती है। अब यहां पर हमको कंफ्यूज कैसे करते हैं दोस्तों, तो जब प्रश्न पूछते हैं कि बताइए शीतकालीन उत्तरी हिंद महासागर की जो मानसूनी धारा है वह कैसी है, गर्म ठंडी इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो देखिए सिंपल सी चीज है कि जब शीतकालीन पूछते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, ठंड आती है, और हम क्या कर बैठते हैं कि शीतकालीन मानसूनी धारा जो है ठंडी होगी। ध्यान रहे यहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसूनी धाराएं जो हैं, यह दोनों धाराएं कैसी हैं आपके, तो यह दोनों धाराएं आपके गर्म जल धाराएं, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के निकट का जल है, और हम सबको जानकारी है कि यहां पर सूर्य सीधा चमकता है और यहां पर जो है पानी जो है हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो उत्तरी हिंद महासागर के अंदर केवल दो धाराओं के बारे में ध्यान रखना है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी धारा और शीतकालीन मानसूनी धारा। शीतकालीन मानसूनी धारा की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसूनी धारा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अब बात करते हैं अपन दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की। अब देखिए दक्षिणी हिंद महासागर की मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो यह दिशा कौन सी हो गई आपके पश्चिम, और यह दिशा कौन सी हो गई आपके पूर्व। ठीक है, अब पृथ्वी का रोटेशन जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और हवाएं जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो उन हवाओं का अनुसरण करते हुए भूमध्य रेखा का जो जल है वह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है, और यहां पर एक गर्म जलधारा का निर्माण होता है, और गर्म जलधारा का नाम क्या है, तो इस गर्म जलधारा का नाम है आपके दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा। दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा कैसी धारा है, तो यह धारा ध्यान रहे गर्म जल धारा है। कैसी धारा है? गर्म जल धारा। जब दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा आगे बढ़कर अफ्रीका के पूर्वी तटों पर जाकर टकराती है, तो टकराने पर इसका एक भाग जो है वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है, जबकि इसका एक भाग जो है ऐसा का ऐसा क्या होता है, दक्षिण दिशा में। और जब दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा का एक भाग जैसे ही दक्षिण दिशा में आता है, तो यहां पर बीच में एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वीप का नाम क्या है, तो इस द्वीप का नाम है आपके मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम है? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, अब क्या होता है कि यह धारा इस मेडागास्कर द्वीप के निकट पहुंचती है, तो यहां पर पहुंचने के कारण इस द्वीप की स्थिति के कारण इसके क्या हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं, एक भाग इस द्वीप के पश्चिम में चला जाता है और एक भाग इस द्वीप के पूर्व में बह जाता है, इस प्रकार से। इस द्वीप के जो पूर्व में धारा बहती है इस धारा को अपन क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मेडागास्कर धारा। मेडागास्कर धारा कैसी होगी? गर्म। इसी प्रकार से इस मेडागास्कर द्वीप के जो पश्चिम में बहेगी धारा, जो कि मोजाम्बिक चैनल, ये वाला जो जलीय भाग है यह जलीय भाग कहलाता है मोजाम्बिक चैनल, और मोजाम्बिक चैनल से जो धारा आगे बढ़ती है इस धारा को अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपन मोजाम्बिक धारा। क्या कहेंगे? मोजाम्बिक धारा। एक तरफ मेडागास्कर धारा, दूसरी तरफ मोजाम्बिक धारा, दोनों धाराएं आगे चलकर आपस में मिल जाती है, और दोनों आगे आपस में मिलकर
एक धारा के रूप में आगे बढ़ती है, और इस धारा को अपन क्या कहते हैं, तो इस धारा को कहते हैं आपके अग्लहास धारा। अग्लहास धारा कैसी है, तो अग्लहास धारा भी कैसी है आपके गर्म, कैसी धारा है गर्म। अब देखिए क्या हुआ कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का जो जल, यहां पर देखिए अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का जो जल था, वह प्रवाह ऐसा का ऐसा क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ा और हिंद महासागर के अंदर प्रवेश कर गया। तो जब हिंद महासागर के अंदर यहां से अफ्रीका के दक्षिण से प्रवेश कर रहा था, तो यहां पर जब प्रवेश करता है तो उसका पानी कैसा होता है, ठंडा, और यह अग्लहास की धारा भी उसके अंदर जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखिए इस प्रकार से और इस प्रवाह को अपन यहां पर क्या कहेंगे, तो इस प्रवाह को अपन यहां पर कहेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह। और दक्षिणी हिंद प्रवाह कैसा है, तो दक्षिणी हिंद प्रवाह हमेशा, हम सबको जानकारी है कि दक्षिणी गोलार्ध के सभी प्रवाह कैसे होंगे, ठंडे, और दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है ऐसा का ऐसा आगे बढ़कर कहाँ चला जाएगा, तो यह प्रशांत महासागर के अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक क्रिया होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, और यहां पर एक क्रिया होगी, उस क्रिया को अपन कहते हैं महासागरीय उद्वेलन की क्रिया, और महासागरीय उद्वेलन की क्रिया के कारण महासागर का जो नीचे का जल है वह ऊपर की ओर आकर आगे प्रवाहित होता है, इस कारण से ठंडी महासागरीय धारा बनती है, और इस धारा का नाम क्या होता है, तो इस धारा को अपन यहां पर कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। क्या कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो कि कैसी होगी, ठंडी। इस प्रकार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो कि ठंडी जल धारा है, जिसका निर्माण महासागरीय उद्वेलन की क्रिया के द्वारा हुआ, यह धारा आगे बढ़कर दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से दक्षिणी हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनका एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कल है आपके, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। देखिए सबसे पहले दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा आगे बढ़ी, अफ्रीका के पूर्वी तटों पर टकराई, दक्षिण में इसका एक भाग आया मेडागास्कर द्वीप के कारण से। कौन सा द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के कारण से दो भागों में बटा, मेडागास्कर के पूर्व में मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर के पश्चिम में मोजाम्बिक धारा, क्योंकि यहाँ पर एक मोजाम्बिक देश भी है, और मोजाम्बिक देश के जस्ट निकट यहाँ पर इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, उसमें से ये धारा आगे बढ़ती है, इसी कारण इसका नाम मोजाम्बिक धारा रखा जाता है। मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा दोनों धाराएं जो कि गर्म है आगे जाकर मिलती है, तो किसका निर्माण करती है, अग्लहास धारा का। अग्लहास धारा गर्म होती है, आगे जाकर यह दक्षिणी हिंद प्रवाह में मिल जाती है, और यह प्रवाह जो है आगे आपके कहाँ चला जाता है, तो प्रशांत महासागर में चला जाता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर महासागरीय उद्वेलन से कौन सी धारा का निर्माण हुआ, तो उस धारा का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो कि कैसी धारा है, ठंडी जल धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हिंद महासागर की जो धाराएं हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। इन हिंद महासागर की धाराओं को अगर हम टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझें, तो देखिए टेबल के माध्यम से इनको समझें, एक तरफ गर्म जलधारा, दूसरी ओर ठंडी जलधारा। देखिए गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, तो गर्म जलधाराओं में हमने देखा एक थी दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा, दूसरी थी
मोजाम्बिक धारा तीसरी, अगुलहास धारा चौथी, मेडागास्कर धारा। इसी प्रकार से ठंडी कौन कौन सी है, तो देखिए ठंडी के अंदर एक थी दक्षिणी हिंद प्रवाह और दूसरा है आपके क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके हिंद महासागर की जो धाराएं हैं यहां पर कंप्लीट होती है। यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझेंगे कि यहां पर हमने देखा कि दक्षिणी हिंद विषुवतीय धारा का जब एक जल भाग वापस लौटा तो इसके कारण से कौन सी धारा का निर्माण होगा, तो यहां पर जो है एक और धारा बनेगी जिसे अपन कहते हैं प्रति विषुवतीय धारा। और प्रति विषुवतीय धारा कैसी होगी, तो यह होगी कैसी, गर्म। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आपके हिंद महासागर की धाराएं और यहां पर हमारा आज का लेक्चर जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।